नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, हमें स्टोरी सुनना या कोई घटना का जिक्र करना या सुनना या पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारा ज़िंदगी का जो अनुभव है ना, अगर उसको अपने अनुभव से हम किसी काम को करेंगे तो हमारे ज़िंदगी का जो पीरियड है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीख कर हम जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी को पढ़ने या सुनने से क्या होता है कि दूसरे लोगों ने क्या गलतियाँ की और आपको वो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर एक घटना से, हर एक स्टोरी से कुछ न कुछ सीख हमें ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर स्टोरी से सीखें, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से आज हम आप सभी के लिए एक स्टूडेंट से संबंधित, विद्यार्थी जीवन से संबंधित एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। छोटा सा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, बट आपको इस स्टोरी के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी कि ज़िंदगी को सफल और आसान कैसे बनाना है, किस तरीके से हमें अपने मुकाम को हासिल करना है। ठीक है, तो इसलिए स्टोरी को सुनना चाहिए, इससे हमें दूसरों की गलतियों से सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो बात कुछ ऐसा है कि एक कॉलेज में चार दोस्त थे। चारों में बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा में घनिष्ठता थी, दोस्ती यारी था, इतना कि चारों साथ में खाते थे, चारों साथ में पढ़ते थे, ठीक है, और चारों साथ में कहीं घूमने भी जाते थे। बहुत घनिष्ठ में दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब एग्ज़ाम की बात सबको पता चल गई, लेकिन इन चारों दोस्तों ने इस एग्ज़ाम का जो सूचना थी उसको ये लोग भूल गए। ठीक है, और अपने एंजॉय में मस्त रहे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये लोग कहीं बाहर किसी पार्क वगैरह में घूमने चले गए थे। पूरा दिन भर उन्होंने वहाँ पे घूमा, चारों तरफ एंजॉय किया, और नेक्स्ट डे जब ये कॉलेज पहुँचे तो इन्हें पता चला कि आज तो पेपर है। अब क्या हुआ कि इनको टेंशन हो गया और चारों दोस्तों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हमें कैसे इस एग्ज़ाम जो चूँकि इन लोगों का तैयारी था नहीं, तो इन्होंने प्लान बनाया कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को टाल दें, मतलब हम दोबारा एग्ज़ाम दे दें इसके बदले, आज के दिन के बदले। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान कैसा बनाया कि ये चारों दोस्त थे ना, इन्होंने इतना क्या किया, इन्होंने कार से जो कार में ऑयल यूज होता है उसको निकाला, ऑयल मोबिल वगैरह, और अपने बॉडी पे छिड़क लिया चारों दोस्तों ने। और उसके बाद ये चारों दोस्त प्रिंसिपल के चैम्बर में जाते हैं और वहाँ जाकर प्रिंसिपल से ये लोग बोलते हैं कि सर, कल हम लोग गए थे घूमने, आज वजह से आ रहे थे तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई, जिसके वजह से आप देख सकते हैं हमारी बॉडी पे इस तरह से किस तरह से ऑयल लगा हुआ है, और हम समय से स्कूल नहीं पहुंच पाए, इसके वजह से हम आज के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए और इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए। तो प्रिंसिपल ने चारों को देखा ध्यान से, बोला कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम आज नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा करो कल आओ, तुम कला के पेपर दे देना। चारों दोस्तों ने बहुत आपस में खुश हुए चारों दोस्त कि चलो आज तो कम से कम बच गए। लेकिन क्या था, कल तो पेपर देना ही था। चारों दोस्त पूरी घर पर गए, पूरी जी जान लगा के रात भर पढ़ा, रात भर स्टडी किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज गए। चारों दोस्तों ने एक साथ स्टडी किया था,
प्रिंसिपल ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने ये बोला कि तुम चारों दोस्तों का एग्ज़ाम होगा ना, वो चार अलग अलग कमरों में होगा, मतलब अलग अलग रूम में होगा, किसी एक रूम में नहीं होगा चारों का। चारों को अलग अलग रूम में बैठा दिया गया और चारों को क्वेश्चन पेपर दिया गया, ठीक है। जब चारों दोस्तों ने क्वेश्चन पेपर खोला तो चारों क्वेश्चन को देख के दंग रह गए, मतलब अचंभित रह गए, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये कैसा क्वेश्चन है यार। उस क्वेश्चन पता है दोस्तों क्या था, पता है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप बताइए, चूंकि उन्होंने बोला था कि सर हमारी कार खराब हो गई थी, हमारी कार पंचर हो गया था, इसकी वजह से हम समय पे स्कूल नहीं पहुँच, कॉलेज नहीं पहुँच पाए, इसकी वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इन्होंने ये चीज़ प्रिंसिपल सामने बोली थी। तो प्रिंसिपल ने दिमाग लगाया और एक वहाँ पे चारों पेपर में चारों दोस्तों के लिए एक ही क्वेश्चन सेट किया गया था, वह क्वेश्चन क्या था आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। वो क्वेश्चन था कि कार का कौन सा टायर, कौन सा चक्का पंचर हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चारों के दोस्तों के जो अलग अलग कमरे में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, उन चारों के क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था और वो था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था, ठीक है। तो अब चारों दोस्त जब क्वेश्चन को पढ़े देखे तो समझ गए कि इशारा क्या है और चारों बहुत शर्मिंदा महसूस किए। चारों ने आके प्रिंसिपल के सामने माफ़ी मांगी, क्योंकि देखिए क्यों ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को पता था कि ये चारों दोस्त जो बहाना बना रहे कि मेरी कार खराब हो गई थी, कार पंचर हो गया था, और ओल लाके जो गए थे कॉलेज में चैम्बर में गए थे प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल को पता चल गया था कि ये चारों बंदे हैं ना ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उनकी टेस्ट लेने के लिए उनकी झूठ को पूरी कॉलेज के सामने लाने के लिए ऐसा प्लान बनाया गया और आखिर में पकड़े गए। दोस्त इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी इंसान से झूठ बोलते हैं और अगर जिस इंसान से आप झूठ बोलते हैं अगर उसको आपके झूठ के बारे में पता है ना, तो जब आपकी झूठ पकड़ी जाएगी तो एक तो आप उसके नज़र में गिरेंगे गिरेंगे, आप उस व्यक्ति की नज़र में गिरेंगे गिरेंगे, साथ में आप अपने ही नज़रों में, आप अपने चरित्र से, आप अपने कैरेक्टर से आप खुद छोटे हो जाएंगे और आप खुद बहुत ज़रा शर्मिंदगी महसूस करेंगे और आप उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा के लिए एक नफरत, एक द्वेष के प्रतीक बन जाएंगे। वो व्यक्ति आप पर कभी भी आगे फ्यूचर में विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्त ये जो फार्मूला है ना, ये जो सीख है आपको जो इस कहानी से मिला, उसको हमें जीवन में हर जगह अप्लाई करना चाहिए। झूठ बोलना कुछ मायनों में सही है कुछ तक, जहाँ से अगर किसी व्यक्ति का जान जा रहा हो, अगर आपको छोटा सा झूठ बोल देने से उसकी जान बच जाती है तो वो चीज़ उस समय सत्य के बराबर है, पर कहीं पर अन्याय हो रहा हो वहाँ पर आप बोलिए, सत्य का पक्ष लीजिए, तो वो चीज़ है। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी ईमानदारी को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए झूठ बोलना ये सर्वथा अनुचित है। और इसका फ़र्क क्या पड़ा आप लोगों ने देखा इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्त इसीलिए हमेशा लाइफ में सच बोलिए, जितना हो सके ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपने कामों के प्रति, तभी जाकर हम अपने जीवन को खुश रख पाएंगे, हम अपने दूसरों की नज़र में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो दोस्त इस कहानी से सीख मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको एक कहानी कैसी लगी और आपको इसे क्या सीख मिली, ठीक है, आप इसे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यानी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए सीख के साथ, तब तक इंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।